हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सन टीवी नेटवर्क के बारे में। ये स्टॉक में अभी तो करेक्शन चल रहा है, अभी अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन हो चुका है। इस स्टॉक के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कौन सा टारगेट लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या तो फिर स्टॉक फंडामेंटली ठीक है कि नहीं है, उसके लिए आप इस चैनल पे जाके जरूर पुराना वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी सारा वीडियो जो कि पोस्टिंग किया हुआ है, ये सारा वीडियो से आपको बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि जो स्टॉक आपने लिए हुए हैं वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, तो आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं टारगेट प्राइस तक या तो फिर निकल जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सन टीवी नेटवर्क के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है एक मिड कैप रेंज की कंपनी है, जो कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 19,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर प्रमोटर प्लेज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर प्लेज जीरो है, और प्रमोटर को होल्डिंग की बात करेंगे तो 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और ऑलमोस्ट पूरा डेट फ्री कंपनी है। कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है सन टीवी के लिए। और जहाँ पे हम आरओसी की बात करते हैं, यहाँ पे आरओसी 29.5% का आरओसी है, और अभी जो कंपनी का जब ट्रेडिंग जो जिस हिसाब से चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1098 ऑल टाइम हाई है। अभी बिल्कुल 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं कि नहीं? अगर चल सकते हैं तो ये किसके लिए हम ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए लेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, अभी वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए, आपको परफेक्ट डाटा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे कंपनी यहाँ पे सन टीवी नेटवर्क इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट टेलीविजन एंड रेडियो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इन द रीजनल लैंग्वेज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रीजनल लैंग्वेज में सबसे बड़ा नेटवर्क है सन टीवी का। अगर हम देखेंगे एशिया में लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क है, ठीक है ना, तो इसका जो आप देखेंगे एस्टैब्लिश हुआ था 1993 को है। बहुत बड़ा एक सन टीवी जो नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनका नेटवर्क तो अब्रॉड में भी चलता है, बहुत सारा अदर कंट्री में भी सन टीवी का नेटवर्क है। अगर हम देखेंगे कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अभी अगर देखेंगे अभी सितंबर 2021 को यहाँ पे सेल्स हुआ है 849 करोड़ का, जो कि लास्ट सितंबर में 769 करोड़ का सेल्स था। सेल्स में तो बढ़िया सा इंप्रूवमेंट आया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट में 395 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि लास्ट सितंबर में 335 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी बढ़िया सा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर लास्ट चार क्वार्टर के हम प्रॉफिट देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो यहाँ पे 1694 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट सेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे 3464 करोड़ का सेल्स बिल्कुल नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट में जाके एक बार रिजर्व देखते हैं, रिजर्व अभी 7469 करोड़ का रिजर्व है। तो इसी हिसाब से रिजर्व तो बहुत बढ़िया से यहाँ पे रिजर्व ग्रोइंग होते जा रहा है। अगर बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ओनली 66 करोड़ का बोरोइंग हमें नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर में जाके प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं, यहाँ पे 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, FII के पास में 8% का होल्डिंग है, DII के पास में 3.3% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 13% का होल्डिंग है। एक बढ़िया सा होल्डिंग है। चार्ट पैटर्न जब देखते हैं, यहाँ पे प्रमोटर के पास में बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। अगर हम यहाँ पे FII के पास में देखेंगे, FII का भी बढ़िया सा होल्डिंग है, 8% होल्डिंग है। यहाँ पे DII का भी बढ़िया सा होल्डिंग है, 3% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे, यहाँ पे 10% का होल्डिंग है, क्योंकि 13.5% है। तो यहाँ पे एक परसेंटेज है, तो ये तो 1.779% है और एक 1.74% है इनके पास में। तो इसीलिए ये तो रिटेलर नहीं है, तो यहाँ से अगर निकल जाएंगे तो यहाँ पे 10% रिटेलर के पास में होल्डिंग है। अभी अगर चार्ट पैटर्न में आके देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमेशा हर एक ये स्टॉक का कुछ दिनों से ये एक पैटर्न बिल्कुल अभी ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले भी वीडियो बना के सन टीवी के बारे में एक बार बताया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि सन टीवी में बढ़िया सा एक अपॉर्चुनिटी है।
देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना के भी बताया था कि सन टीवी में बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी अभी लेके चल सकते हैं। उस टाइम पे लिए थे और हम लोग को प्रॉफिट भी अच्छा सा प्रॉफिट मिला था, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में अभी भी वही सेम पैटर्न अभी फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है, वहीं से फिर अगर कोई पिक करते हैं, अगर हम वहीं से स्टॉक को पिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे लेटेस्ट हाई तक स्टॉक बिल्कुल जाता है, ठीक है। और कितने दिन लगते हैं, और ज़्यादा दिन भी नहीं लगता। अगर आप देखेंगे ना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे स्टॉक में, यहाँ पे देखिए यहाँ से पिक किए और यहाँ पे लेटेस्ट हाई तक अगर जाते हैं ये स्टॉक में 22% का गेन मिलता है और 47 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट और एक फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इससे में वहीं पे हुआ, तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया, फिर उसके बाद में लेटेस्ट हाई तक जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट हाई तक यहाँ पे भी आ चुका था। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 96 डेज में 25% का गेन मिला है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिर से आया 200 डे मूविंग एवरेज के पास में, यहाँ पे लिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 17% का गेन मिला है, जो कि 75% का, ये एक बढ़िया सा स्विंग ट्रेड का एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप ये स्टॉक में बिल्कुल लेके अभी यहाँ पे एंट्री लेके चल सकते हैं। अगर आपके पास में अपर लेवल का होल्डिंग है, स्टॉक को होल्ड कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक कोई बुरा स्टॉक नहीं है, बढ़िया सा आपको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। अगर आप इमीडिएटली गेन चाहते हैं ये स्टॉक में, तो आपको बिल्कुल अभी एंट्री लेके चल सकते हैं, ठीक है। पहला एंट्री अगर आप लेंगे, तो अगर यहाँ तक अगर इस स्टॉक को लेके चलते हैं, अभी एंट्री लेके चलते हैं और यहाँ पे लेटेस्ट हाई तक अगर लेके चलते हैं इस स्टॉक को, आपको 24-25% का गेन मिल सकता है, जो कि इसका जो टारगेट है, आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स में इसका टारगेट अचीव हो जाता है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम में ऐसा ही हुआ था, ये स्टॉक में हमने यहाँ पर एंट्री लिया था, ठीक है। मैंने जब वीडियो बनाया था यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे एंट्री लिए थे और हम लोग जो यहाँ पे टारगेट बहुत जल्दी हमारा टारगेट अचीव हुआ था, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 68 डेज में हमें एक 16-17% का गेन मिला था, ठीक है। जिनको मिला होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इस स्टॉक में अभी अगर आप एंट्री लेके चलेंगे, अभी का जो टारगेट है इस लेवल पर एंट्री लेके चल सकते हैं, जो कि लेवल आपका यहाँ पे 494-495 का लेवल पे आप एंट्री ले लीजिए, और इसका जो टारगेट रहेगा यहाँ पे बिल्कुल 612 तक टारगेट तक लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 612 का टारगेट हम लेते हैं, 612 तक अगर टारगेट लेके चलते हैं, अभी करेंट मार्केट प्राइस से ये आपको 24% का गेन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। 24% का गेन अगर आपका 3 मंथ्स में गेन अगर कवर हो जाता है, फिर भी बहुत बड़ा सा अच्छा सा पैसा बनता है इसमें, ठीक है ना। तो और ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे 4 बार हुआ है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा ना, तो कैसे इसमें ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल फुलफिल हुआ है। तो इस हिसाब से इसमें आप लेके चल सकते हैं पहला टारगेट के लिए। अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए RSI भी बिल्कुल कौन सा लेवल पर आ चुका है। RSI भी 32-33 के लेवल पे आ चुका है, ठीक है। RSI रिवर्सल हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए, एक बार यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसी हिसाब से यहाँ पे RSI भी बढ़िया सा एक इंडिकेट कर रहा है। तो आप बिल्कुल ये स्टॉक को अभी इमिडिएटली लेके चल सकते हैं। फिर भी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ये स्टॉक में, आपका पोर्टफोलियो का ओनली 5% तक आप करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्विंग ट्रेड में अच्छा सा गेन आपको मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर ये मूविंग एवरेज और ये यहाँ पे RSI अगर आपको सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि आप देख के बिल्कुल आप थोड़ा सा अच्छा से सेटिंग कर सकते हैं, कैसे आपको मूविंग एवरेज और यहाँ पे RSI कैसे सेट करना है। तो यहाँ से एक बढ़िया सा नॉलेज आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे, तो आपको नेक्स्ट टारगेट भी आपको यहाँ से आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक बड़ा टारगेट निकल सकता है। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे एक अच्छा सा टारगेट और एक टारगेट भी निकल सकता है। देखिए यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे हेड बन रहा है और यहाँ पे राइट शोल्डर है। तो इसी हिसाब से आप अगर इस स्टॉक में अभी एंट्री लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट और एक नेक्स्ट टारगेट आपको कौन सा मिलता है फ्रेंड्स, आप देखिए।
देखिए आप नेक्स्ट टारगेट के लिए भी, ये टारगेट के लिए ये स्टॉक को भी लेके चल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 831। ठीक है, अगर 831 तक आप ये स्टॉक में पोजीशन बना के रखते हैं, आपको कितना परसेंटेज का गेन मिलता है फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, जो कि यहाँ से लेके 831 तक अगर चलते हैं तो आपको 66% का गेन मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो गेन है ना, ये आपको इमिडिएटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सा टारगेट के लिए आपको हो सकता है आपको 1 साल 1.5 साल के लिए इंतजार भी करना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल जिस हिसाब से है, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग भी जिस हिसाब से है, और यहाँ पे इतना बड़ा सा जब करेक्शन हो चुका है, करेक्शन होने के बाद में जब स्टॉक निकलता है उस टाइम पे फिर बढ़िया सा गेन हमें अचीव हो भी जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ये स्टॉक में थोड़ा सा अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिए, उसी बेसिस पर अगर आपको स्विंग ट्रेड रिस्क फ्री चाहिए तो आप बिल्कुल आप अभी ले लीजिए, तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए 612 पे, और सेकंड टारगेट के लिए आप 831 तक इंतजार कर सकते हैं, जो कि आपको 66% का गेन दे सकता है। इसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लग सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन भी बिल्ड करता है। उसके साथ में आप यहाँ पे आपके पास में जो भी स्टॉक है, ठीक है ना, आपके पास में कोई भी स्टॉक है, आपका मन में अगर फिर भी कुछ सवाल आ रहा है तो आप जरूर ये वीडियो को चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस भी किया हुआ है, और वहाँ पे आपको एक टारगेट भी बताया हुआ है, और टारगेट प्राइस तक जरूर इंतजार करना है। ठीक है, स्टॉक में जैसे करेक्शन चल रहा है अभी, कोई भी स्टॉक आप सेल मत कीजिए। ठीक है, आपको टारगेट तक जरूर अचीव हो जाएगा, आपको टारगेट अचीव होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी जो करेक्शन होता है ना, ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जिससे स्टॉक मार्केट के करेक्शन एक नॉर्मल सी बात है, तो इसको हम नॉर्मल की तरह बिहेव करना चाहिए, तो इसमें हमें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में सरप्लस मनी है, अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है, ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, काफ़ी सारा स्टॉक का स्विंग ट्रेड का मैंने भी बताया है, वो सारे स्टॉक में भी स्विंग ट्रेड करके चल सकते हैं, और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। आपको अगर स्मॉल कैप में जाना है, थोड़ा सा रिस्क रहता है और लेकिन रिटर्न ज़्यादा रहता है। अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए, स्विंग ट्रेड लेकिन करना है, तो फिर आप एक काम कीजिए, लार्ज कैप स्टॉक में स्विंग ट्रेड कीजिए। लार्ज कैप स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेड करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन आपको गेन परसेंटेज थोड़ा सा कम रहेगा, वो भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चैनल पे अगर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।